क्या इस झगड़े की वजह औरतें? क्या ये झगड़ा किसी कारणवश हो रहा है या ये झगड़ा सिर्फ ऐसे ही चल रहा है? ऐसा बाहर पूरा का पूरा कैमरा बाहर निकाल दिया इसने। घर में जैसे आंटियां होती हैं ना जो एक दूसरे के घर में झांक करके देखती हैं कि दूसरे घर में क्या चल रहा है, कौन सा झगड़ा चल रहा है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन, दिस इज विशाल द वे। और सुबह सुबह ही हमारे साथ एक छोटी सी घटना हो चुकी है। घटना ऐसी घटी है कि हमने जो दूध बनाया था, जो दूध रखा था चाय बनाने के लिए, वो दूध आपको दूध दिखाता हूँ। भाई साहब, सुबह सुबह दूध का फटना एक कमाल का अपशगुन होता है। और अगर ये आपके जिंदगी में हो गया और अगर आप चाय लवर हो तो फिर तो भाई जीना दुश्वार है। आप जैसे हमारा, ये देखो, ये भाई साहब दूध है और दूध महाराज फट चुके हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये फट गया भाई, दूध फट गया भाई। जिग्नेश भाई ने सुबह सुबह ये न्यूज दी है कि दूध फट चुका है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, अब बाहर जाके चाय पीनी पड़ेगी। या तो बाहर से दूध लेके आना पड़ेगा, फिर चाय बनेगी। और जिग्नेश भाई दूध चाय बना रहे थे, बार बार दूध बना रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे? ठीक है, समझने वाले समझ गए। बार बार वो चाय बना रहा था, चाय नहीं बन रही थी, तो चाय बना रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो आदमी क्या बोलता है, उसको खुद को समझ नहीं आता। यहाँ पर ये भाई साहब भी बैठे हुए हैं, स्वराज भाई अभी भी उठे थे, गॉगल वॉगल ठसा दिए एकदम खतरनाक वाला, अच्छे दिख रहे हैं, वो बात अलग है, मेरे से ज्यादा अच्छा दिखता है। फटाफट से तैयार होके फिर चाय पीने के लिए जाते हैं, फिर चाय घर पे लाते, नहीं दूध घर पे लाते। तो भाई साहब, जिग्नेश भाई ने और स्वराज भाई ने दोनों ने मेहनत करके ना अभी मस्त होम मेड भजिए बनाया। भाई खुद के हाथ से भजिए बनाओ तब समझ में आता है कि कितने मस्त भजिए और कितनी मेहनत लगती है। भाई कितनी मेहनत लगती है भजिए बनाने में? लगता है मेहनत भाई, क्या लगता है? ठीक है, तो हम लोग बॉयज लोग मस्त चिल कर रहे हैं और यहाँ पर हमने भजिए बनाए। अभी थोड़ी देर में अपन भजिए वजिए खाते हैं और भजिए खा के फिर अपन मार्केट की तरफ भी थोड़ा सा जाएंगे। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, जब ऐसे रहते हैं और जब ऐसा खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं और बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, आप सभी लोगों के लिए जो नया कॉन्टेंट आने वाला उसकी भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, सब मिल करके लगातार उस पर काम चल रहा है। तो जब हम लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं तो मजा आ जाता है भाई। ऐसा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप बताओ, हंसता है जाना। गाइस यहाँ मस्त चीज चल रही है, सोसाइटी में रहते हैं ना, झगड़ा चल रहा है, झगड़ा, पुलिस वुलिस की बात हो रही है भाई। तो हम लोग पीछे से मजे ले रहे थे, ये नहीं उधर से, उधर से बराबर बाथरूम से दिखी, झगड़ा देखने में मजा आता है, क्या बोलते हैं। एज अ प्रेस स्टूडेंट, मीडिया स्टूडेंट, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझाऊं। अरे उधर कहां कर दिया, पहले इधर दिखा, पहले इधर दिखा। अरे आंटी चली जाएंगी भाई, आंटी को देंगे खंबा, आंटी को देंगे। रुको रुको रुको, पहले सोफिस्टिकेटेडली, एकदम सोफिस्टिकेटेडली, नमस्कार भाई और बहनों, देखो यहां पर झगड़ा हुआ जा रहा है, झगड़ा हो रहा है हमारी सोसाइटी में। क्या इस झगड़े की वजह औरतें? क्या ये झगड़ा किसी कारणवश हो रहा है या ये झगड़ा सिर्फ ऐसे ही चल रहा है? क्या यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को किसी तरीके की तकलीफ है? अगर तकलीफ है, तकलीफ नहीं है बे, तो ये तपलीक, तपलीक, अबे तपलीक, तपलीक, दिखाओ उधर। देख आंटी चिल्ला रही थी, बंद हो गए भैया, नीचे देखो उधर, आंटी आंटी चालू रखो, बंद नहीं होना, आंटी आंटी बंद नहीं होना, चालू रखो। वो देखो ये ब्लू कलर का डॉट दिख रहा, अरे आंटी देख ना बस ब्लॉक, ऐसा बाहर दिखा, पूरा का पूरा कैमरा बाहर निकाल दिया इसने तो। बस बस बस, आंटी को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, हम शूट कर रहे हैं सब। अरे तो टेंशन मत ले बिल्कुल। देखो दोस्तों, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो सोसाइटी में चलते रहते हैं, देखने में मजा आता है, देखने में, इसलिए तो बिग बॉस इतना चल रहा है भाई, वरना बिग बॉस क्यों चलता है? ना भाई, सिस्टम भाई, सिस्टम, 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 पुलिस वुलिस केस वेस की बात चल रही है, अगर पुलिस की जरूरत पड़ती है तो जिग्नेश चला जाएगा नीचे। हाँ सही बात है, और वहाँ से निकलूंगा सीधा। देखो भाई साहब, ऐसा है ना, इतने में इतना ही मिलेगा और हमने आपको थोड़ा बहुत झगड़ा दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आप झगड़ा दिखाते हो अब तो आपका व्लॉग वायरल हो जाता है, कोई भी वीडियो हो झगड़ा दिखाने से वायरल हो जाता है, दैट इज द रीजन कि बिग बॉस इतना ज्यादा वायरल चलता है। लोगों को झगड़े देखने में मजा आते हैं एक दूसरे के घर के, ठीक है। शेमड़ी एमसी अभी यूट्यूबर्स का जलवा चल रहा है भाई, लिटरली बिग बॉस के अंदर हम भी सपोर्ट करते हैं एल्विश भाई को। जी हाँ, तो एल्विश आर्मी जितनी भी है, वी आर विथ यू, विशाल दवे विथ यू, टीम विशाल दवे विथ यू, हम भी सपोर्ट करते हैं भाई एल्विश भाई को। और फिलहाल ये भाई साहब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा तो बिग बॉस क्या देखोगे आप लोग, विशाल दवे वीडियो ना देख लो आप लोग। नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं दिखाएंगे, अभी अपन झगड़ा वगैरह चल रहा, झगड़े को सॉर्ट आउट करो। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के बीच में बोलने की गलती कभी पुरुषों को नहीं करनी चाहिए, आज तक शास्त्रों में लिखा गया है, महिलाओं के बीच में नहीं बोलना, उनको करने दो। ये तो देखो, घर में जैसे आंटियां होती हैं ना जो एक दूसरे के घर में झांक करके देखती हैं कि दूसरे घर में क्या चल रहा है, कौन सा झगड़ा चल रहा है, उस तरीके से ये बंदा देखे जा रहा है। मैं देख रही ना, हवा खा रहा हूं, हवा। हाँ, वो तो मेरे को दिख रहा है कितना हवा खा रहा है और किसकी हवा खा रहा है।
शाहरुख खान बन रही है साले? नहीं, हवा खा रहा हूं, हवा का फील। आंटी आंटी बन गया तू, आंटी घूम फिर के वहीं देखे जा रहे झगड़े। इन्हीं इन्हीं लोगों की वजह से बिग बॉस इज वायरल। बिग बॉस टीआरपी की बहुत ज्यादा है, इन्हीं लोगों की टीआरपी बहुत ज्यादा है। हां, बिग बॉस की टीआरपी वो थोड़ा थोड़ा फंबल हो जाता है, जैसे बम्बल रैप होता है वैसे फंबल रैप होता है। तो अभी भाई साहब मैं स्वराज और जिग्नेश हम तीनों के तीनों जा रहे हैं मार्केट की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ कुछ सामान लेने के हैं और वो सामान लेने की प्लानिंग हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, लगातार एक एक जगह पे दूसरी दूसरी जगह पे देख रहे हैं कि मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कुछ चीज लेते हो उससे पहले आपको चार पांच दुकानों में जाकर के उसके बारे में पूछना चाहिए, चार पांच मार्केट में जाकर उन दुकानों के बारे में, मतलब उन चीजों के बारे में पूछना चाहिए। कहीं पर सस्ती मिल जाती है, कहीं पर अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, तो फिर बेस्ट होता है। नहीं मैं आ रहा हूँ, पीछे नहीं बैठूंगा मैं बीच में बैठूंगा भाई। स्वराज भाई अपने खंड, अरे सॉरी। और तेरी आंखें क्यों लाल है स्वराज? सोया नहीं मेरा। अच्छा सोया के कुछ और किया? अरे आगे 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 ले बराबर पैर आगे पैर आगे। चलो हो गया, ट्रिप्सी का रूल। भाई घूमते घूमते अभी हम आ चुके हैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ पर है यूनिवर्सिटी और यहाँ पर स्वराज भाई जो है अपने वड़ा पाव खा रहे हैं। स्वराज भाई लगे हुए वड़ा पाव खाने में। हम लोग जब रास्ते से आ रहे थे तो स्वराज भाई ने बोला कि अचानक से भूख लगी है उसको, तो फिर हमने बोला ठीक है तू एक काम कर वड़ा पाव खा ले। अभी मेरे को और जिग्नेश को भूख नहीं लगी है तो हम लोग यहीं पर हैं स्टिल। अभी काम अपना बचा हुआ है, मुश्किल वक्त कमांड हो सक, काम करो एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। तो फिर अभी आगे जाना है, वहाँ पर स्टेशन पड़ता है बॉस, अभी अपन आगे जाना है, काम वाम करना है, उसके बाद अपन आराम से खाएंगे, देखते हैं फिर क्या खा। हो गया पेट भर गया भाई, और कुछ खाना है? यहाँ डकार भी आ गई, चलो बढ़िया खत्म। तो फाइनली जी मार्केट का काम पूरा करके अब भी हम आ चुके हैं अपने रूम पे, मतलब स्वराज भाई के रूम पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखो चाय बन रही है। हालांकि अभी चाय फटे ना तो अच्छी बात है भाई, ये देखो चाय बन रही है, जिग्नेश भाई बना रहे काट रहे हैं चाय को, मतलब गुजराती में बोले तो उकाड़ बोलते हैं, तो ऐसा उकाड़ रहे हैं चाल, तो चाय बन जाती है, उसके बाद अपन चाय पियेंगे तब थोड़े से फ्रेश होंगे। कि ना अभी भाई बाहर से आए ना तो सारे के सारे थके हुए हैं, ये देखो सबके सब पड़े हुए हैं, देखो ये देखो दोनों का दोनों पड़े हुए हैं, दोनों का दोनों थके हुए हैं, एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है इन दोनों की। अपन नहीं थके लेकिन जोश बहुत ज्यादा है, ठीक है अभी चाय पियेंगे तो और भी ज्यादा जोश आ जाएगा। और फिर शाम को शायद कार्तिक भाई भी आने वाले हैं, तो कार्तिक भाई के साथ भी अपन बाहर जाएंगे, तो वो भी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब विशाल दवे पूरी तरीके से तत्पर है आप लोगों को कॉन्टेंट देने में, आप भी लाइक वाइक करने में और शेयर कॉमेंट करने में ना बिल्कुल भी देर मत किया करो यार। वीडियो अपलोड होता है ना तो तुरंत अपनी स्टोरीज पर लगा दिया करो। विशाल भाई का वीडियो आ गया टीवी पे, देखो मैं 4K वीडियो शूट करता हूं और अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये हक बनता है यार आप लोगों का कि लाइक करो एंड कमेंट करो और टीवी पे देखो जितना हो सके। एंटरटेनमेंट तो मैं दे रहा हूं ना, और एंटरटेनमेंट के साथ मैं नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपनी लाइफ में। और अभी बहुत जल्द तो एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसकी भी एक्साइटमेंट है, उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं। सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से ही हम यहां तक आए हैं, आगे भी आपके सपोर्ट से जाना है। ठीक है अभी मैं फ्रेश हो जाता हूं, अभी तो फिलहाल बाथरूम जाना है। एक तरफ हमारा वीडियो चल रहा है और दूसरी तरफ यहां पर देखो कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं, तो नए प्रोजेक्ट को आने से पहले ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। और वहाँ पर अंदर जिग्नेश भाई हमारे लिए कोई नाश्ता वाश्ता बना रहे हैं, ये भाई साहब भी मोबाइल में लगे हुए हैं और यहाँ पर कैलकुलेशंस चल रही है भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है बहुत मेहनत चल रही है और ये ब्लॉग भी चल रहा है भाई, सपोर्ट करते रहो।